तो गाइस कौन जीत सकता है वुमेंस रॉयल रंबल मैच 2020 को। बेटिंग ऑड्स की लिस्ट सामने आई थी लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज हुए तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना चाहिए, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक कर दो। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। वेट किस बात का है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस बात करते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए, साशा बैंक्स का नाम पहले भी बेटिंग ऑड्स में था, यहाँ पे भी है। रीजन यही है इसके पीछे कि 2019 का साल उनके लिए कुछ खासा अच्छा गया नहीं। उनका रिटर्न हुआ उसके बाद भी कुछ अच्छा चीज़ हमें देखने को नहीं मिला उनके साथ, वही बेली के साथ वो ज्वाइन हो गई। तो पॉसिबिलिटी 2020 का अगर वो डोर में मैच जीतती हैं, और अगर आप सोचो अगर वो रेसलमेनिया में चैलेंज कर दे बेली को, तो वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीनेरियो वहाँ पे बन जाएगा। और अगर वो डोर मैच जीतती हैं तो काफ़ी अच्छा पॉप भी क्रिएट जरूर होगा। तो मैं पर्सनली ये चीज़ देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट नाम जो सामने आ रहा है वो थोड़ा चेंज्ड है, और ये है एलेक्सा ब्लिस का। 2019 में चांसेस तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बने थे लेकिन कुछ अच्छा पुश मिला नहीं इन्हें भी। तो और 2018 में रो यहाँ पे हमें राउंडर हाउस के अगेंस्ट हारते हुए दिखी थी एलेक्सा ब्लिस रॉ वुमेंस चैंपियनशिप, और उसके बाद इन्हें अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई। तो रॉयल रंबल 2020 अगर ये जीतती हैं और रेसलमेनिया में अगर किसी चैंपियनशिप के लिए किसी को चैलेंज करती हैं, तो इनके करियर के अपलिफ्टमेंट में और भी ज़्यादा ये हेल्प करेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा सीनेरियो वहाँ पर भी। तो पॉसिबिलिटी एलेक्सा ब्लिस का नाम आया सामने, और मे बी ये स्पॉइलर भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो फाइनल नाम है वो तो बेटिंग ऑड्स की लिस्ट में हमेशा रह ही रहा है, जो कि ये साइना बेसलर का। अब अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस तो साइना बेसलर के ही, ऑलरेडी मैं काफ़ी लंबे समय से आपको बताते आया हूँ। और चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि मतलब उन्होंने तो अब NXT की चैंपियनशिप भी ड्रॉप कर दी है, तो अब तो फुली क्लियर है मेन रोस्टर में आने के लिए। वैसे में एक्सपेक्टेड है कि वो रॉयल रंबल मैच जीते हैं, बेकी लिंच को चैलेंज करें रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह सर्वाइवर सीरीज का मतलब एंड हुआ था कॉन्ट्रोवर्शियल ढंग से, जिस तरह से बेकी लिंच ने साइना बेसलर के साथ मतलब वो एंड किया था वहाँ पर, जो सीनेरियो था सीन जो था पूरा क्रिएट हुआ था जिस तरह से बेकी लिंच ने एंड किया था। उसके बाद तो पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों का मैच होगा ही, और इस बार शायद बेकी लिंच अपनी टाइटल को रेसलमेनिया में ही हारें जो कि उन्होंने रेसलमेनिया में जीती थी। तो पॉसिबिलिटीज यही बताई जा रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप नीचे कमेंट कर बताएं जरूर आप किसे देखना चाहते हो एज ए विनर। मैं देखना चाहता हूँ कि साशा बैंक्स जीत जाए इस मैच को। बस यही थे मेरे पर्सनल ओपिनियंस, और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, मॉक्सो मॉडल चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो मिलता है अपनी नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।